चशपुर की। यहाँ पर जिला पंचायत सदस्यों ने सामान्य सभा की बैठक का बहिष्कार कर दिया। वजह थी जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाने के बाद भी उसका समाधान नहीं किया जाना। पहले ही बैठकों में मनरेगा के तहत मजदूरी की भुगतान का मुद्दा उठाया, लेकिन सालों से लंबित भुगतान अब भी नहीं किया गया और जिन पंचायत सचिवों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं उनको कैसे तीन तीन पंचायत की जिम्मेदारी दे रखी है, ऐसी मांग विपक्षी सदस्य उठाते रहे हैं। लेकिन जब उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो नाराज होकर कुल 14 में से 11 सदस्यों ने ही आज बैठक का ही बहिष्कार कर दिया। आपको बता दें कि जिला पंचायत में भाजपा समर्थित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, जबकि अध्यक्ष अब रायगढ़ से सांसद निर्वाचित हो चुकी है। कि जितने भी गंभीर और भ्रष्टाचार के मामले हैं जिस पर जिला पंचायत ने कोई कार्यवाही नहीं की और भ्रष्टाचार को निरंतर बढ़ते रहने में इन लोगों ने मदद किया, प्रतिदिन का कार्रवाई हुई है उसको पढ़ा जाए, उसको भी पढ़ के बताया, उसका और पिछला की कार्रवाई बताया जाए, पढ़ के बताया जाए और उसके बाद ग्राम पंचायत के स्थायी के सचिव के विरुद्ध शिकायत के लिए जांच दल बनाया जाएगा। और ज्यादा बातचीत के लिए संतोष गुप्ता जशपुर से संवाददाता जुड़ चुके हमारे साथ। संतोष, जिस तरह देखा जा रहा है कि सालों से लंबित रोजगार गारंटी का भुगतान नहीं हुआ है, मजदूर की मांग कई बार उठाने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई है और इसी के चलते जो सभा थी उसको स्थगित कर दिया गया है, क्या कुछ वहाँ पर सदस्यों का रुख था? जी, मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे जिला पंचायत के जो सदस्य है वो नाराज होकर के बैठक का बहिष्कार कर दिए हैं। उनका आरोप है कि जिला पंचायत में उनकी बातों को नहीं सुना जाता है, प्रोसीडिंग नहीं की जाती है, लिखित रूप से उन मुद्दों को नहीं लिखा जाता है और इस पे कोई कार्यवाही नहीं होती है, ऐसा आरोप है। और जशपुर जिले में मनरेगा की स्थिति काफी बुरी स्थिति है, यहाँ पे ऐसा आरोप है जिला पंचायत के सदस्यों का। और वाकई में यहाँ पे चलिए संदर्भ हमारे साथ के एस मंडावी जी जुड़ चुके हैं, सीईओ, जो उनसे बातचीत करते हैं। मंडावी जी, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। मंडावी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आवाज। मंडावी जी, एक बात जानना चाहेंगे कि जिस तरह जो बात निकलकर सामने आई है, जो सामान्य सभा की बैठक हुई उसका बहिष्कार कर दिया गया, जनहित का काम नाराज न होने से जिला पंचायत के सदस्य ने बहिष्कार कर दिया, बात करें रोजगार गारंटी के भुगतान की बात करें या फिर मजदूरों की बात करें, सुनवाई नहीं की जा रही है, तो क्या कुछ निकलकर चीजें सामने आ रही है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? रोजगार गारंटी मजदूरी के संबंध में किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं हुआ है जी, ना इसकी चर्चा चली है जी। यहाँ पर मजदूरी भुगतान स्थिति बहुत अच्छी है जी, उसमें पर्टिकुलर एक सचिव है जी करसई गांव का जी, वो सचिव के विरुद्ध जांच करने के लिए वो शिकायत बार बार कर रहा है। तो इसी क्या वजह बनी जिसके कारण बहिष्कार हो रहा है बैठक का? हाँ, बस उस सचिव के लिए बहिष्कार किए थे। मैं आपसे यही जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार ऐसी क्या वजह बनी कि बैठक का बहिष्कार किया जा रहा है? वही तो पता है, सचिव जब तक जांच नहीं होगा तब तक हम लोग बैठक में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, जांच क्यों नहीं करवा रहे भाई? बात से सवाल उठता है, जांच हो गई है, जांच हो गया, उसका दंड भी हो गया है, उसी के बार बार वो बोल रहा है सदस्य। तो निराकरण क्या निकल रहा है इसको लेकर, सारी चीजों को लेकर? निराकरण तो अब भाई वो जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि हाथ की छे थोड़ी कर सकता हूँ मैं। चलिए, हमारे साथ संतोष गुप्ता जुड़े हैं, हमारे संवाददाता, उनसे बातचीत करते हैं। संतोष, मंडावी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, सामान्य सभा की बैठक का कोई बहिष्कार नहीं हुआ है, ऐसी बात कर रहे हैं, आपको सवाल करेंगे? जी, मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कलेक्टर जन चौपाल हो या पिछली सरकार में जन समस्या निवारण शिविर आयोजित होते थे, हर शिविर में ग्रामीण अपने मजदूरी भुगतान को लेकर पहुंचते थे और उनका कहना था कि सालों सालों बाद भी हमारा खून पसीने की कमाई जो होती है मजदूरी भुगतान नहीं हो रहा है, और हर बार हर शिविर में, हर जन समस्या निवारण शिविर में या जन चौपाल में लोग कलेक्टर के पास में मजदूरी। मंडावी जी, क्यों लेट हो रहा है मजदूरों का भुगतान? मंडावी जी, आपने सुना खुद, मैंने आपको पुनः कह रहा हूँ, मजदूरी भुगतान का लेट नहीं है जी, ना मैं एक महीना हो गया मजदूरी भुगतान का लंबित होने के बारे में किसी आदमी ने शिकायत नहीं किया है। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संतोष, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बात करते हैं ब्लैक